Hello guys, Assalamu alaikum. I am Zakir Hussain Bakko in front of you with a new topic, how to clear the website and what is the website. First of all, I will describe what is website. Website is actually the everything which is provide you information through the internet is called the website. Wo har ek cheez jo aapko kya kare information provide kare through the internet wo hamari kya hoti hai website hoti hai. आपने कॉमनली देखा होगा कि draz.pk, jobs.pk, मेनी टाइप्स ऑफ वेबसाइट आपने देखी होंगी. उनका क्या काम होता है, वो हमें क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं. हम क्या करते हैं, उनको देख के और वहाँ से कोई ना कोई चीज़ जो है ना उठाते हैं या डाउनलोड कर लेते हैं etc. तो वैसे ही काफ़ी सारी जो है हमारी वेबसाइट्स होती हैं, जैसे स्टैटिक वेबसाइट होती है, डायनामिक वेबसाइट होती है, ई कॉमर्स वेबसाइट होती है, सोशल वेबसाइट्स होती है, ब्लॉगिंग वेबसाइट्स होती है. ऑल दीज टाइप्स आर दी वेबसाइट्स. इन पर जो है ना काम होता है, ठीक है ना. अब हर किसी के काम अलग अलग है कि स्टैटिक वेबसाइट क्या होती है, डायनामिक वेबसाइट, ये फर्दर हम लोग आगे चल के इसको डिस्क्राइब करेंगे. दूसरा ये है कि हमारा जो आज का काम है वो ये है कि किस सॉफ्टवेयर में हम लोग जो है ना वेबसाइट जो है ना क्रिएट करेंगे, और उसमें जो है ना HTML हम जो यूज़ करेंगे और CSS यूज़ करेंगे वो करेंगे. कौन सा सॉफ्टवेयर है, Notepad++, ठीक है. तो इस पर हम लोग जो है ना काम करेंगे जो है ना Notepad++ सॉफ्टवेयर के ऊपर. तो HTML क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. ये एक टाइप की एक लैंग्वेज होती है जिसके ऊपर जो है ना हमारी वेबसाइट जो है ना क्रिएट होती है. HTML बेसिक चीज़ है जिस पर हम लोग जो है ना काम करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो पहला टैग जो यूज़ होता है वो HTML होता है, और जो टैग हमारा ओपन होता है उसको क्लोज भी करते हैं. लाइक हमने यहाँ पे देखो HTML हम लोगों ने जो क्या किया है, ओपन भी किया है और क्लोज भी किया है, ठीक है. तो हमारा जो स्ट्रक्चर शुरू होगा वो HTML से शुरू होगा. तो आइए, तो इसमें दूसरा जो हमारा टैग यूज़ होगा वो होगा हेड यूज़ होता है, ठीक है. हेड हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, हेड यहाँ पे हम लोग कोई जो है ना दूसरी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, जैसे CSS हो गई, JavaScript हो गई. हम लोग ये हेड में जो है ना CSS यूज़ करते हैं. CSS क्या होती है, CSS हमारे जो है ना आगे चल के हम लोग जो है ना इस HTML पेज को जो है ना क्या करेंगे, एक कलरफुल बनाएंगे, लेआउट को डिज़ाइन करेंगे. CSS हमारा इसीलिए काम आता है. पहले तो हम सिंपल जो है ना HTML सीखते हैं कि वेबसाइट का एक ढांचा बनाते हैं वो HTML में बनाते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, टाइटल देते हैं, ठीक है. टाइटल एक हमारा टैग है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, किसी भी वेबसाइट का जो है ना नाम देते हैं. टाइटल को भी क्लोज करेंगे हम लोग. जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग अपनी वेबसाइट बनाते हैं फेसबुक पे, ठीक है. फेसबुक पे हम लोगों ने वेबसाइट बनाई और उसको जो है ना हम लोगों ने टाइटल को क्लोज किया. उसके बाद हमारा जो टैग हो यूज़ होता है वो बॉडी होता है, ठीक है. बॉडी के अंदर जितना भी हमारा इमेजेस का काम होता है, जितना भी हेडिंग्स का काम होता है, वो हम किस में करते हैं, बॉडी हमारी ये लास्ट में आके क्लोज होती है, क्योंकि सब हमारा काम इसमें होता है, तो इसलिए हम लोग इसको लास्ट में क्लोज करते हैं. तो ये हमारा सिंपल जो है ना HTML का जो है ना स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है. अब इसके अंदर जो हम लोग जो है ना हेडिंग्स यूज़ करते हैं, वो हेडिंग्स यूज़ होती हैं H1, H2, H3 और H6 तक. जो बड़ी हेडिंग हमारी यूज़ होती है वो H1 होती है. तो H1 कैसे यूज़ होती है, H1 हमारे जो है ना पहले ओपन करते हैं, फिर इसको क्लोज भी करते हैं. अब कैसे हेडिंग, फॉर एग्जांपल जैसे मैं लिख रहा हूँ सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टंडोजाम, ठीक है. ये हम लोग चाह रहे हैं कि ये हमें डिस्प्ले करवाए H1 की हेडिंग में, ये बड़ी हेडिंग में. तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको कंट्रोल एस करके सेव करेंगे डेस्कटॉप पर, और जो भी आप नाम दें यहाँ पे, लाइक मैं दे रहा हूँ इस पर zakir.html, ठीक है. ये हमारी फॉर्मेट है, जो हमारा जो पेज हमारा सेव होगा, जो हमारी ये जो वेबसाइट जो सेव होगी वो किस में काम कर रहे हैं, HTML में कर रहे हैं, तो HTML में ही सेव होगा. दूसरी फॉर्मेट में आप करेंगे तो वो कभी भी रन नहीं होगा. फॉर एग्जांपल zakir.html आप करें CSS तो वो CSS की फाइल हो जाएगी. अगर HTML पे आप काम कर रहे हो तो HTML की हेडिंग जो है ना फॉर्मेट देंगे. तो यहाँ पे हम सेव करेंगे, इसको सेव हो गया, ठीक है. अब इसको हम लोग करेंगे रन.
रन किस में करेंगे, क्रोम में करेंगे। आप इंटरनेट एक्सप्लोरर पे भी कर सकते हो, पर जो बेस्ट आपको रिजल्ट दिखाएगा वो होगा हमारा क्रोम। तो क्रोम को हम लोग किया, ठीक है। तो आपने देखा कि ये हमारी हेडिंग फर्स्ट है, एच वन है, ठीक है। ये हमारी हेडिंग एच वन है, एच टू भी होगी। एच टू आप जो है ना लगा कर देखें, एच थ्री एच सिक्स तक आप जो है ना तैयारी करें, तो आपको जो है ना पता चल जाएगा कि एच वन में जो है ना बड़ी हेडिंग उसको क्यों कहते हैं, एच टू को क्यों कहते हैं, फिर जो है ना सो ऑन जो है ना ऐसे होगा, ठीक है। तो आज का हमारा लेक्चर जो है ना यही था कि एच टी एम एल पे काम कैसे होता है, स्ट्रक्चर जो है ना कैसे बनता है, और हेडिंग्स जो हमारी यूज़ होती है वो कैसे होती है, ठीक है। तो इंशाल्लाह दूसरे वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।